नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जून और बिल्कुल शाम का समय है, सूर्यास्त एकदम होने वाला है। तो आज ना मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ चंपा के प्लांट पे, प्लूमेरिया के प्लांट पे। तो प्लूमेरिया जो है आप लगा सकते हो। देखिए, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे जो ये सभी प्लांट लगे हुए हैं सब पॉलीथिन में लगे हैं और बैग्स पे लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे हैं। और मैंने सब प्लांट्स को कटिंग से लगाया है। मैंने आपको अपने कई वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है कि मैंने जितने भी मेरे प्लूमेरिया, चंपा, नाग चंपा, ये सारे प्लांट्स हैं। तो अभी आपको ये पत्तियाँ ना, थोड़ी सी कुछ पत्तियाँ इसमें येलो कलर की दिख रही हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, मेरा ना सारा दिन की धूप में लगा हुआ है प्लांट, सारे दिन की धूप है, पूरी तेज आती है यहाँ पर, और इस वजह से पत्तियाँ जो हैं वो बर्न हो रही हैं धूप से, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बारिश का कोई नामो निशान नहीं। अभी मैंने बस सब में पानी डाला है। तो अगर ना आपके यहाँ पे मतलब मॉर्निंग वाली 4-5 घंटे की सनलाइट अगर इसको मिल जाती है तो इतना काफ़ी है। गमले में अगर लगा हुआ है, ज़मीन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, गमले की बात कर रही हूँ, या फिर जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पॉलिथ बैग में और वेस्ट जो बैग्स होते हैं, स्कूल बैग आप समझ लीजिए, उस तरीके से मैंने लगाया हुआ है। क्योंकि कटिंग से तैयार किया था तो बहुत सारी जितनी कटिंग लगाई थी सब लग गई थी, और कटिंग लगाने का टाइम बिल्कुल आ गया है। आप चाहें तो इस टाइम कटिंग लगा सकते हैं मॉनसून में, और नागचंपा की भी, और जो भी ऐसे तो कटिंग तो बहुत सारे कटिंग के प्लांट हैं, लगाने वाले ढेरों हैं, मतलब आप बहुत सारे लगा सकते हैं। तो ये जो नागचंपा है इसमें तो खैर वाइट ही कलर आता है, इसमें कोई खुशबू नहीं होती है, लेकिन प्लूमेरिया जो चंपा होता है उसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत सारे शेड्स होते हैं। आप चाहें तो वहाँ से नर्सरी से भी ख़रीद सकते हैं, 150 के आसपास में, 150 के आसपास में इसके प्लांट मिल जाते हैं। 4-5 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है जिसमें कि पानी रुकना नहीं चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए होती है। मंथ में एक बार आप जैसे कि इसकी हालत देख रहे हैं, जिन जिन चीज़ों में मैं लगा रखा है, तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ मैं गुड़ाई कर रही हूँ मैं या कुछ कर रही हूँ मैं। मतलब महीने में एक बार जैसे कि कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे बनाती हूँ, कभी सब्जियों का छिलकों का बनाया, या फिर उसका तरबूज के छिलके का बनाया था, या फिर मस्टर्ड के, कोई एक मतलब मंथ में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने दे दिया, कोई ऐसा और इसमें कुछ भी नहीं दिया है। और मिट्टी का बता ही दिया, कीड़े वीड़े कोई ऐसे, हाँ अगर बहुत ओवर वाटरिंग, बहुत ज़्यादा आप डालोगे पानी तो इस पर ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स हो जाते हैं, नहीं तो ये पत्तियाँ बिल्कुल शाइन करती रहती हैं, बिल्कुल हरी हरी सी अच्छे से रहती हैं। अब रही बात, ये इतना बड़ा हो जाता है, ज़मीन में देखिए लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पिछले साल भी सोचा था शायद ये इस बार मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इस बार कुछ भी फरवरी में कोई रिपोर्ट नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया था इसको। और अपने आप ये रूट देख रहे हैं कितनी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी रूट हो गई हैं, और मुझे लग रहा था कि ये पॉलीथिन में नहीं चल पाएगा। ये करीब 2 साल हो गया इन्हीं बैग्स में लगे हुए। तो जब मैंने पहले जब कटिंग तैयार की थी, जब कटिंग लगाई थी, तब मैंने बैग्स में नहीं लगाया था, मतलब और चीज़ों में, गमले उमले में लगाया था। तो 2 साल से तो आराम से इसी में चल रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट सीज़न में फ्लावरिंग या ना करें, मुझे रिपोर्ट करना पड़े। तो बस यही है, और बहुत ज़्यादा पानी, मतलब ओवर वाटरिंग मत करिएगा इसमें, नहीं तो ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स इसमें प्लूमेरिया के पत्तों में पड़ जाते हैं, और बिल्कुल अब तो खैर वो बरसात का मौसम आने ही वाला है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक जैसे जून का महीना चल रहा था, इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, तो उस वजह से भी पत्ते थोड़े से पीले पड़ जाते हैं। तो मैंने हटाया नहीं, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं, सब इधर उधर रखे हैं, मैं सबको फिर इधर उधर नहीं कर पाई। तो अब मैं देखिए छत पे आ गई हूँ, और आप ये देखिए बिल्कुल सनसेट होने वाला है। तो ये एक मेरे पास ना कई बार से प्लूमेरिया के लिए वो आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि इस पे वीडियो बनाई, तो देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और बड़ा अच्छा सा रहता है, ग्रीन ग्रीन से बड़े बड़े से पत्ते रहते हैं, और बड़ा मतलब आप कॉर्नर पे इसको रख दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने ओलियंडर, ये सभी मैंने कटिंग से लगाया, ओलियंडर भी आप इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत सारे टिकोमा है, ओलियंडर है, अलमंडा है,
ढेरों प्लांट आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। अडेनियम नहीं, अडेनियम की कटिंग से उसके कॉर्डेक्स अच्छे नहीं होते, वो खैर इस टाइम अडेनियम का प्लांट है भी नहीं, कटिंग पर खैर मैं वीडियो आपको बाद में बता दूंगी। तो आप बस प्लूमेरिया के लिए कुछ भी ऐसा इस खास नहीं है, आपको ठीक लगे तो लाइक करेगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।